हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल लेट्स को क्रिकेट में स्वागत है। और आज हम बातें करने वाले हैं न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के क्रिकेट के बारे में। पहली शुरुआत हम न्यूजीलैंड से करते हैं और उसके बाद हम बातें करेंगे बांग्लादेश की। तो चलो हम शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। इसी के साथ न्यूजीलैंड की कीवी टीम ने यह थर्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी बनाया। थर्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर प्राप्त किया। जीत के लिए 246 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 43 गेंद शेष रहते ही फिनिश लाइन प्राप्त कर ली। इस जीत के साथ कारण पूरे न्यूजीलैंड में उत्सव का माहौल है, चारों तरफ शोर शराबा है। और अब हम बात करते हैं, डैरिल मिचेल ने शोरफुर इस्लाम को गेंद पर टिप मिड विकेट का अधिकतम छक्का जड़कर शानदार तरीके से खेल को समाप्त किया। न्यूजीलैंड के शानदार क्रिकेटर मिचेल और केन विलियम्स, जी हाँ, हम बात करें न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मिचेल और केन विलियम्स ने शानदार पारी खेली। उसमें उन्होंने चेन्नई की मुश्किल पिच पर, सबसे हार्ड पिच पर अर्धशतक लगा दिया और 246 रन का जो सबसे मुश्किल रन था का लक्ष्य था उसको टीम के लिए आसान बना दिया। मिशेल ने गेन विलियम्स के साथ 89 रन बनाए और अपनी जीत का आगाज किया। और अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। जी नहीं, अभी हम बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। इसी के साथ बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं वह है उनके टूर्नामेंट की। जी हाँ, ये टूर्नामेंट उनके लिए सबसे ख़राब साबित हुआ। वर्ल्ड कप 2023 में दो बार शुरुआत में ही हार की का सामना कर चुकी बांग्लादेश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि दोनों बार हार का सामना एक साथ करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल पर भरा था। आपको क्या लगता है इस मैच का सबसे बड़ा नायक कौन है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो हम बता ही देते हैं और आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। जी हाँ, इस मैच का मुख्य नायक है केन विलियम्स। इस मैच के कप्तान होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। इस सबसे पहले उन्होंने डेन कैनवे के साथ अच्छी साझेदारी की, इसके बाद उन्होंने डैरिल मिचेल के साथ भी उन्होंने बढ़िया तालमेल बनाया और इसके साथ साथ जीत का शानदार प्रदर्शन भी करते नजर आए। हालांकि विलियम्स को अंगूठे पर चोट भी लगी और इससे काफ़ी वो परेशान भी रहे, लेकिन जब तक वे रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे और तब तक उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर थी कि न्यूजीलैंड अपनी पकड़ बहुत अच्छे से मैच पर बना चुका था। बल्लेबाजी के अलावा विलियम्स ने कप्तानी भी बहुत अच्छी की, जो कि मैच पर देखते ही बनती थी। जो कि उन्होंने क्या किया, शुरुआत में गेंदबाजों को रोटेट करने के साथ साथ गेंद पर मैदान पर अपने गेंदबाजों को बैक करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि लोकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके शौकीब अल हसन को शॉर्ट पिच गेंद डाली और उन्होंने उस पर छक्का खाया और ये काफ़ी शानदार था। हालांकि इसके बाद भी विलियम्स ने उन्हें एक शॉर्ट पिच गेंद बैक करने के लिए अगली गेंद का शौकीब का विकेट भी मिल गया और यह उनके लिए बहुत ही शानदार था और उनके लिए यादगार भी था। आगे आने वाले टूर्नामेंट बांग्लादेश के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि वे दो बार जीत का हार का सामना कर चुके हैं। आपको क्या लगता है मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा? चलिए आप गैस कीजिए। अगर आपको पता है तो आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। चलो हम आपको बता ही देते हैं। जी हाँ, मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट अब हम शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड मैच में शुरू में ही
बांग्लादेश पर हावी रही। शकीब और मुशफिकुर रहीम के बीच 96 रनों की साझेदारी हुई और यह बहुत ही शानदार थी। महमूद उल्ला की उपयोगी पारी की बदौलत बांग्लादेश से लड़ने लायक एक स्कोर भी बनाया, लेकिन यह भी न्यूजीलैंड के मुकाबले में पछाड़ने में सफल नहीं हो पाया। बांग्लादेश ने शुरुआत में न्यूजीलैंड को रची रविंद्र के रूप में झटका दिया और यह काफ़ी मुश्किल भरा समय था बांग्लादेश के लिए। लेकिन पहले 10 ओवर में बांग्लादेश गेंदबाज विलियम्स और कॉनवे को बांधने में सफल भी रहे। हालांकि अगर शुरुआत में बांग्लादेश के फील्डरों ने 2 कैच लपक लिए होते तो शायद यह न्यूजीलैंड की कड़ी टक्कर दे सकता था, लेकिन यह बांग्लादेश नहीं कर पाया और इसका उन्हें जीवन भर अफसोस भी रहेगा। बांग्लादेश के लिए अगर ये कर पाना संभव होता तो शायद उनकी जीत को कोई रोक नहीं पाता और इसी के साथ उनकी जीत को कोई अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। जी हाँ, न्यूजीलैंड अपनी अंक तालिका में पहले स्थान प्राप्त कर चुका है और उनके साथ आगे आने वाली समस्याओं को वो उनसे पल्ला झाड़ चुका है, क्योंकि हम फर्स्ट अंक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन वो स्थान पर पहुंच चुका है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट की जीत की हैट्रिक भी लगा दी। लेकिन बांग्लादेश के लिए अंक तालिका में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतिम 4 की जगह बनाने की राह बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो चुकी है। आगे आने वाला वर्ल्ड कप मैच उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग भरा हो सकता है और ये काफ़ी मुश्किल भरा भी होने वाला है। केन विलियम्स हो या डेरिन मिचेल, साकिब अल हसन हो या लॉकी फर्ग्यूसन, जितने भी क्रिकेटर या बल्लेबाज हों या बांग्लादेश के हों या फिर न्यूजीलैंड के, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छी पारी खेली और बहुत ही अच्छा प्रयत्न भी रहा। किसी की हार, किसी की जीत, ये तो सब चलता ही रहेगा। पहली शुरुआत हम न्यूजीलैंड से करते हैं और उसके बाद हम बातें करेंगे बांग्लादेश की। तो चलो हम शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। इसी के साथ न्यूजीलैंड की कीवी टीम ने यह थर्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी बनाया। थर्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर प्राप्त किया। जीत के लिए 246 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 43 गेंद शेष रहते ही फिनिश लाइन प्राप्त कर ली। इस जीत के साथ कारण पूरे न्यूजीलैंड में उत्सव का माहौल है, चारों तरफ शोर शराबा है। और अब हम बात करते हैं, डेरिल मिचेल ने शोरफुर इस्लाम को गेंद पर टिप मिड विकेट का अधिकतम छक्का जड़कर शानदार तरीके से खेल को समाप्त किया। न्यूजीलैंड के शानदार क्रिकेटर मिचेल और केन विलियम्स, जी हाँ, हम बात करें न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मिचेल और केन विलियम्स ने शानदार पारी खेली। उसमें उन्होंने चेन्नई की मुश्किल पिच पर, सबसे हार्ड पिच पर अर्धशतक लगा दिया और 246 रन का जो सबसे मुश्किल रन था का लक्ष्य था उसको टीम के लिए आसान बना दिया। मिशेल ने गेन विलियम्स के साथ 89 रन बनाए और अपनी जीत का आगाज किया। और अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की। जी नहीं, अभी हम बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। इसी के साथ बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं वह है उनके टूर्नामेंट की। जी हाँ, ये टूर्नामेंट उनके लिए सबसे ख़राब साबित हुआ। वर्ल्ड कप 2023 में 2 बार शुरुआत में ही हार की का सामना कर चुकी बांग्लादेश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि दोनों बार हार का सामना एक साथ करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल पर भरा था। आपको क्या लगता है इस मैच का
सबसे बड़ा नायक कौन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो हम बता ही देते हैं और आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। जी हाँ, इस मैच का मुख्य नायक है केन विलियम्स। इस मैच के कप्तान होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। इस सबसे पहले उन्होंने डेन कनवे के साथ अच्छी साझेदारी की, इसके बाद उन्होंने डेरिन मिचेल के साथ भी उन्होंने बढ़िया तालमेल बनाया और इसके साथ साथ जीत का शानदार प्रदर्शन भी करते नजर आए। हालांकि विलियम्स को अंगूठे पर चोट भी लगी और इससे काफ़ी वो परेशान भी रहे, लेकिन जब तक वे रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे और तब तक उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर थी कि न्यूजीलैंड अपनी पकड़ बहुत अच्छे से मैच पर बना चुका था। बल्लेबाजी के अलावा विलियम्स ने कप्तानी भी बहुत अच्छी की, जो कि मैच पर देखते ही बनती थी। जो कि उन्होंने क्या किया, शुरुआत में गेंदबाजों को रोटेट करने के साथ साथ गेंद पर मैदान पर अपने गेंदबाजों को बैक करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि लोकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके शकीब अल हसन को शॉर्ट पिच गेंद डाली और उन्होंने उस पर छक्का खाया और ये काफ़ी शानदार था। हालांकि इसके बाद भी विलियम्स ने उन्हें एक शॉर्ट पिच कर गेंद, न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। इसी के साथ न्यूजीलैंड की कीवी टीम ने यह थर्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी बनाया। थर्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर प्राप्त किया। जीत के लिए 246 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 43 गेंद शेष रहते ही फिनिश लाइन प्राप्त कर ली। इस जीत के साथ कारण पूरे न्यूजीलैंड में उत्सव का माहौल है, चारों तरफ शोर शराबा है। और अब हम बात करते हैं, डेरिल मिचेल ने शोरफुल इस्लाम को गेंद पर डीप मिड विकेट का अधिकतम छक्का जड़कर शानदार तरीके से खेल को समाप्त किया। न्यूजीलैंड के शानदार क्रिकेटर मिचेल और केन विलियम्स, जी हाँ हम बात करें न्यूजीलैंड के क्रिकेटर मिचेल और केन विलियम्स ने शानदार पारी खेली। उसमें उन्होंने चेन्नई की मुश्किल पिच पर, सबसे हार्ड पिच पर अर्धशतक लगा दिया और 246 रन का जो सबसे मुश्किल रन था का लक्ष्य था उसको टीम के लिए आसान बना दिया। मिशेल ने गेन विलियम्स के साथ 89 रन बनाए और अपनी जीत का आगाज़ किया। और अब हम बात करते हैं बांग्लादेश की, जी नहीं अभी हम बांग्लादेश के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। इसी के साथ बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं वह है उनके टूर्नामेंट की। जी हाँ, ये टूर्नामेंट उनके लिए सबसे ख़राब साबित हुआ। वर्ल्ड कप 2023 में दो बार शुरुआत में ही हार की का सामना कर चुकी बांग्लादेश के लिए बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि दोनों बार हार का सामना एक साथ करना उनके लिए बहुत ही मुश्किल पर भरा था। आपको क्या लगता है इस मैच का सबसे बड़ा नायक कौन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलो हम बता ही देते हैं और आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं। जी हाँ, इस मैच का मुख्य नायक है केन विलियम्स। इस मैच के कप्तान होने के साथ साथ वो बहुत अच्छे बल्लेबाज भी हैं, क्योंकि शुरुआत में उन्हें बहुत बड़ा झटका लगा। इस सबसे पहले उन्होंने डेन कनवे के साथ अच्छी साझेदारी की, इसके बाद उन्होंने डेरिन मिचेल के साथ भी उन्होंने बढ़िया तालमेल बनाया और इसके साथ साथ जीत का शानदार प्रदर्शन भी करते नजर आए। हालांकि विलियम्स को अंगूठे पर चोट भी लगी और इससे काफ़ी वो परेशान भी रहे, लेकिन जब तक वे रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन लौटे और तब तक उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी खबर थी कि न्यूजीलैंड अपनी पकड़ बहुत अच्छे से मैच पर बना चुका था।
बल्लेबाजी के अलावा विलियम्स ने कप्तानी भी बहुत अच्छी की, जो कि मैच पर देखते ही बनती थी। जो कि उन्होंने क्या किया, शुरुआत में गेंदबाजों को रोटेट करने के साथ साथ गेंद पर मैदान पर अपने गेंदबाजों को बैक करते हुए भी दिखाई दिए। हालांकि लोकी फर्ग्यूसन ने सेट हो चुके शकीब अल हसन को शॉर्ट पिच गेंद डाली और उन्होंने उस पर छक्का खाया और ये काफ़ी शानदार था। हालांकि इसके बाद भी विलियम्स ने उन्हें एक शॉर्ट पिच कर गेंद बैक करने के लिए अगली गेंद का शकीब का विकेट भी मिल गया और यह उनके लिए बहुत ही शानदार था और उनके लिए यादगार भी था। आगे आने वाले टूर्नामेंट बांग्लादेश के लिए काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि वे दो बार जीत का हार का सामना कर चुके हैं। आपको क्या लगता है मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट कौन सा होगा? चलिए आप गैस कीजिए, अगर आपको पता है तो आप मैसेज करके भी बता सकते हैं। चलो हम आपको बता ही देते हैं। जी हाँ, मैच का सबसे टर्निंग पॉइंट अब हम शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड मैच में शुरू में ही बांग्लादेश पर हावी रही। शकीब और मुशफिकुर रहीम के बीच 96 रनों की साझेदारी हुई और यह बहुत ही शानदार थी। महमूद उल्ला की उपयोगी पारी की बदौलत बांग्लादेश से लड़ने लायक एक स्कोर भी बनाया, लेकिन यह भी न्यूजीलैंड के मुकाबले में पछाड़ने में सफल नहीं हो पाया। बांग्लादेश ने शुरुआत में न्यूजीलैंड को रचिर रविंद्र के रूप में झटका दिया और यह काफ़ी मुश्किल भरा समय था बांग्लादेश के लिए। लेकिन पहले 10 ओवर में बांग्लादेश गेंदबाज विलियम्स और कॉनवे को बांधने में सफल भी रहे। हालांकि अगर शुरुआत में बांग्लादेश के फील्डरों ने 2 कैच लपक लिए होते तो शायद यह न्यूजीलैंड की कड़ी टक्कर दे सकता था, लेकिन यह बांग्लादेश नहीं कर पाया और इसका उन्हें जीवन भर अफसोस भी रहेगा। बांग्लादेश के लिए अगर ये कर पाना संभव होता तो शायद उनकी जीत को कोई रोक नहीं पाता और इसी के साथ उनकी जीत को कोई अब हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की। जी हाँ, न्यूजीलैंड अपनी अंक तालिका में पहले स्थान प्राप्त कर चुका है और उनके साथ आगे आने वाली समस्याओं को वो उनसे पल्ला झाड़ चुका है, क्योंकि हम फर्स्ट अंक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन वो स्थान पर पहुंच चुका है। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने टूर्नामेंट की जीत की हैट्रिक भी लगा दी। लेकिन बांग्लादेश के लिए अंक तालिका में कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंतिम 4 की जगह बनाने की राह बांग्लादेश के लिए मुश्किल हो चुकी है। आगे आने वाला वर्ल्ड कप मैच उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग भरा हो सकता है और ये काफ़ी मुश्किल भरा भी होने वाला है। केन विलियम्स हो या डेरिन मिचेल, शकीब अल हसन हो या लोकी फर्ग्यूसन, जितने भी क्रिकेटर या बल्लेबाज हों या बांग्लादेश के हों या फिर न्यूजीलैंड के, उन लोगों ने बहुत ही अच्छी कोशिश, बहुत ही अच्छी पारी खेली और बहुत ही अच्छा प्रयत्न भी रहा। किसी की हार, किसी की जीत, ये तो सब चलता ही रहेगा। पहली शुरुआत हम न्यूजीलैंड से करते हैं और उसके बाद हम बातें करेंगे बांग्लादेश की। तो चलो हम शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड ने लगातार तीसरी जीत हासिल की। इसी के साथ न्यूजीलैंड की कीवी टीम ने यह थर्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड भी बनाया। थर्ड वर्ल्ड कप रिकॉर्ड बांग्लादेश को 8 विकेट से हराकर प्राप्त किया। जीत के लिए 246 रन का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने 43 गेंद शेष रहते ही फिनिश लाइन प्राप्त कर ली। इस जीत के साथ कारण पूरे न्यूजीलैंड में उत्सव का माहौल है, चारों तरफ शोर शराबा है। और अब हम बात करते हैं, डेरिल मिचेल ने शोरफुर इस्लाम को गेंद पर टिप मिड विकेट का अधिकतम छक्का जड़कर शानदार तरीके से
खेल को समाप्त किया। न्यूजीलैंड के